एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर का विवादित बयान आया है। अखंड भारत पर बिगड़े बर के बोल, देश कभी अखंड भारत नहीं बनेगा। बीजेपी आरएसएस ख्वाब देख रही है, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी तानाशाही लाना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। देश का संविधान सबसे ऊपर है, अखंड भारत पर सिर्फ मनगढ़ंत बातें हो रही है। 2024 में बीजेपी की हार तय है, ये शफीकुर्रहमान बर दावा कर रहे हैं। फिर बीजेपी कैसे अखंड भारत बनाएगी? जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं और ये अपनी डिक्टेटरशिप इसमें करना चाहते हैं। पहले तो अभी इलेक्शन आ रहा, ये जब ये हार जाएंगे तो कहाँ से इन्हें ये ख्वाब देखेंगे? ये ख्वाब देखते रहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान में अखंड भारत नहीं बनेगा, जमहूरियत रहेगी। जहाँ तक मेरी राय है, यानी मेरा अपना ख्याल है, वो शिवपाल कभी नहीं जाएंगे। वो समाजवादी का हिस्सा है, समाजवादी में रहेंगे। ये दूसरी बात है, उनके कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन वो बीजेपी में नहीं जाने के।